2014 के पहले आपके सारे मीडिया वाले निकाल दीजिए, फ्रेजाइल फाइव यही हेडलाइन होता था जी। आज जी हम वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गए। IMF ने दुनिया के 150 देशों का समूह, अब देखिए क्या एनालिसिस है, 1998 इंडिया पर कैपिटा GDP इस पीयर ग्रुप से 30% के आसपास थी। 98 से 2004 अटल जी के अपने कार्यकाल में ये 30% को 35% ले गए। अच्छा प्रोग्रेस हुआ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए जी, 2004 में ये सब खिचड़ी कंपनी आ गई और ये खिचड़ी कंपनी ने अटल जी की मेहनत जो थी उस पर पानी फेर दिया, 35% को 30 पर ले आ गए वो लोग। UPA की सरकार में भारत डेवलपिंग वर्ल्ड की अपेक्षा और गरीब हो गया, हमसे गरीब थे वो भी हमसे आगे निकल गए। लेकिन 2014 में हमारे सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खुशी होगी हम 30% से 37% पे पहुंचा दिया, और 24 तक मैं जब पहुंचा हूं ये मामला 42% पहुंच गया है, यानी 30 छोड़ा था हम 42 ले, और ये हाईएस्ट है जी। अगर आप 10 साल के कालखंड में इन्फ्लेशन को भी ले, जो महंगाई की इतनी चर्चा करते हैं ना, तो ये 10 साल सबसे कम इन्फ्लेशन वाला कालखंड रहा है। ये मैं इतना सारा जो कहता हूं और हकीकत के आधार पर कहता हूं, कठोर परिश्रम करने के बाद अचीव किया है जी। पूरी सरकार को मोबिलाइज किया है और लक्ष्य को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गए हैं। उसके बावजूद भी मोदी क्या कहता है, मोदी तो कहता है भाई ये तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है।